हेलो एवरीबॉडी, आज मैं कढ़ी पकौड़ा बनाने जा रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि कल पकौड़े आए थे हमारे घर, तो वो बच गए थे, तो मुझे लगा ज़ाया ना हो, क्योंकि ठंडे हैं फिर कौन खाएगा उनको, रीफ्राई करके उतना मज़ा नहीं आता। तो मुझे लगा कि मैं कढ़ी बना लेती हूँ, तो वो हमारा जो है वो लंच रेडी हो जाएगा। और वैसे भी हमारे घर में कढ़ी बहुत पसंद की जाती है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ये दही है, जिसमें मुझे ये एक कुली मैंने ये कम से कम आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा दही है। और ये रहा बेसन, मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसको मिक्स करती जाऊँगी। ये घोल बनाना है हमें सबसे पहले इसका। अब क्योंकि वीडियो भी खुद बना रही हूँ, तो वीडियो इतनी अच्छी नहीं बन पाएगी, बट हाँ आपको कन्वे हो जाएगा कैसे आपको कढ़ी बनानी है। अगर आपके पास पकोड़े नहीं भी हैं या पकोड़ों वाली नहीं भी बना रहे, तो आप ऐसे भी बनाओगे तो ये भी बहुत राइस के साथ बहुत टेस्टी लगती है। आपको कोशिश करनी है कि दही जो है वो उसमें वो गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए छोटी छोटी, और बेसन भी अच्छे से, जब ये प्रॉपरली आपको लगे मिक्स हो गया तो पानी ऐड कर दीजिए। आप देख सकते हैं मैंने कितना पानी डाला है, क्योंकि आपने देखा था ये हाफ था तो मैंने इसको फुल कर दिया है। जितना दही था उतना पानी डाल सकते हैं। ये आपका घोल रेडी हो गया है, डन। अब हमारा ये यहाँ पे कढ़ाई जो है थोड़ी सी गर्म हो गई है, इसमें हम ऑयल डालेंगे। ये ज़्यादा ऑयल आपने नहीं यूज़ करना, क्योंकि दही है तो वो अपना भी तेल छोड़ता है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला। इसमें हम अपना, आप देख रहे हैं मसालों में जीरा डालेंगे 1 टेबल स्पून, मेथी के दाने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है वो डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, राई के दाने भी लिए मैंने, शायद इसी को राई बोलते हैं। देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया है, तो अब हम जाके इसमें नमक डालेंगे। मेरे तो मेजरमेंट वाला है चम्मच, तो इसलिए आप 2 टेबल स्पून डालेंगे। अभी हम जाके देख रहे हैं, आपने देखा होगा मैंने पहले नमक नहीं ऐड किया, अब जाके स्टेज पे नमक ऐड करना आप, जब इसमें उबाल आ जाएगा और ये गाढ़ी हो जाएगी। अब इसकी कंसिस्टेंसी जो है पहले से गाढ़ी हो चुकी है, और इसी स्टेज पे अब देख रहे हैं इसमें उबाल आ गया, इसी स्टेज में हमने इसमें पकौड़े ऐड करने हैं। आप चाहें तो पकोड़े, अगर जैसे मेरे तो ये मार्केट के बचे हुए थे तो मैंने ये किया, आप अपने बेसन के पकोड़े भी बना सकते हैं, सिर्फ बेसन के, और वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इस कढ़ी में पालक जो है वो उबाली हुई वो भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बनती है। अभी हमने ये ऐड किया, नमक भी ऐड कर दिया, ऑलमोस्ट डन है ये। बस अब क्योंकि ये इसके बाद पकेगी, कढ़ी 8 मिनट तक पका ली इसके बाद, और ये कढ़ी अब रेडी है, तो मैं आपको बताती हूँ टेस्ट करके। इट्स वेरी 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 यम्मी, ये सच में जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छी बनी है आज, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाँ मेरी वीडियो थोड़ी गड़बड़ हुई वो इसलिए क्योंकि मैं अकेले ही सब डाल भी रही थी और वीडियो भी बना रही थी, तो उस वजह से हुआ है। तो आई एम रियली वेरी सॉरी, बट प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।